आपने एसडीएम से बातचीत की है? उन्होंने नहीं विधायक जी, आज किस तरह की बैठक बुलाई गई थी? ये बैठक भारतीय जनता पार्टी लगातार जो बैठकों का दौर अपना चलाती है, वो बैठक आज हम लोग लोकसभा के चुनाव के तैयारी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने इस बैठक को लिया है। बैठकें हमारी हमेशा चलती है। लोकसभा चुनाव आने वाला है, हमारी क्या तैयारी है, बूथ की तैयारी क्या है, सेक्टर की तैयारी क्या है, हमारे कार्यकर्ता किस तरह हैं, उसकी पूरी समीक्षा बैठक थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को में ऊर्जा भरा है, जोश भरा है। हम लोग बताया गया है कि दुगने उत्साह के साथ आप लोग लगिए, जीत आपकी है, आपने जो काम किया है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, उस कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाना है, उन्हें समझाना है कि आपने ये काम किया है। अभी तक जो हमने काम किया है वो इसके पहले आज़ादी के पहले कभी इतना काम हुआ नहीं था। जनता को बताना है, उनको समझाना है और चुनाव को जीतना है। विधायक जी, नए टिप्स भी दिए उन्होंने, क्योंकि ये सारी बातें तो प्रधानमंत्री जी ने भी वहाँ पर बताई थी, तो उससे अलग भी कुछ रहा आज इस पाठशाला में योगी जी की? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सूत्र दिया था कि अपना बूथ सबसे मजबूत, सब कुल मिला के बूथ पर हमको मजबूत होना है और लोगों को उनके किए गए कार्यों के विषय में जानकारी देना है, कि आज का मूल मंत्र था जिसके वजह से हमको चुनाव जीतना है। हम विकास की काम करते हैं, यही जनता को समझाना है। हम जो विकास करते हैं, न उसमें जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है, न मजहब है, हम सबके लिए काम करते हैं और ये लोगों को बताना है। इसलिए हम लोगों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ज्ञानवर्धन मिला। मुख्यमंत्री जी आज कुछ नाराज भी दिखे, क्योंकि बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसको धरातल पर जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे। कोई नाराजगी नहीं उनकी थी, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। वो प्रसन्न थे, खुश थे, सरकार, जनता, पब्लिक और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर उनकी कोई नाराजगी नहीं थी। काम उन्होंने जो बात उन्होंने बताई वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा टिप्स था हम सबके लिए। हम लोग राम मंदिर को लेके भी कुछ बोला है? क्योंकि राम मंदिर के विषय में यहाँ कुछ नहीं बोला है। राम मंदिर के विषय में जो कोर्ट ने बोल दिया तो हम लोगों को बाकी क्या रह गया।